एक और मुखिया मामा जी महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी नेतागण महिलाओं पर अत्याचार करते नजर आ रहे हैं। जी हां, काला पीपल का एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है जहां राजनीतिक दबाव के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण की आड़ में लेकर एक विधवा महिला की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। तहसीलदार ने भी नियमों की धजिया उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी। मिली जानकारी के अनुसार काला पीपल पानखेड़ी हनुमान चौक पर विधवा महिला श्यामाबाई ने अपनी निजी भूमि पर 12 दुकान का निर्माण करवाया था, जिसको पीडब्ल्यूडी अधिकारी एसडीओ बी के सूत्रकार ने अतिक्रमण बताकर तुड़वा दिया। तहसील द्वारा प्रकाश कस्बे ने भी नियम 68 शासकीय भूमि का हवाला देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है, जबकि यह भूमि श्यामाबाई के नाम से है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि इस कार्यवाही में परिषद अध्यक्ष के पति नरेंद्र सोनी और विधायक का हाथ है। सुजालपुर से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। की मेयर सभी की और टूट जाएगी, टूट जाएगी उसको बनी, हम बनी नहीं थी उसके पहले, हाँ, उसका पहले कहती थी कि टूट जाएगी। हम सरिया ले बगाया था सर, साजी सरची गई। हाँ, हमारी गले तो इनने है नहीं, बहुत ऐसे खिलाफ करी उनने, जैसे हमने मोहरत ही नहीं करी थी, जगह पहले कहती थी टूट जाएगी, बोले तो टूट जाएगी। और नरेंद्र सोनी भाई साहब ने भी पूरी की थी टूटेगी। और परसों के दिन विधायक साहब से हमने हाथ जोड़ के विनती करी, साहब हमारी दुकान बचाइए बचाइए, मेरे को मुआवजा दिए।